कि हम इस बलबे में मर जाएं। वॉल सिटी अथॉरिटी के सर्वे के मुताबिक अंदरूनी लाहौर 2200 मकानात हस्ताहाल हैं, जिनकी फौरी मरम्मत जरूरी है। हालिया मानसून में भी शहर में मकानात गिरने के वाकयात पेश आ रहे हैं, जबकि बेशतर मकानात की दीवारें फटकर अपने रहायशियों के लिए मौत का पैगाम बन चुकी हैं। हमारा घर सारा भर चुका है। मैं ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे पास इतने मसाइल नहीं है। मेरा एक भाई है, मेरा बाप नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं नहीं चाहती कि हम इस बलबे में मर जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां हमजा शहबाज के नुमाइंदे वसीम कादर ने अंदरून दहली दरवाजा मोहल्ला हुसैन शाह, अंदरून लाहौरी दरवाजा मोहल्ला सत्था और गली सेठा में मुकामी खतून रहनुमा चाची फरहंदा के हमरा हस्ता हाल मकानात का जायजा लिया। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए चाची फरहंदा का कहना था कि यहाँ के लोग गुरबत के बायस इन खतरनाक मकानात में रहने पर मजबूर हैं, जबकि वसीम कादर ने कहा कि हमजा शहबाज की खसूसी हदायत पर हस्ता हाल मकानात का सर्वे किया जा रहा है, जिसके बाद जरूरी मरम्मत के लिए मालकान को रकूम फराहम की जाएंगी। लोग मजबूर हैं, जो आप लगा नहीं सकते, लोग हुकूमत से वो मदद मांगना चाहते हैं, उनकी मदद की जाए और उनके मकान रिपेयर किए जाए, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है। मियां हमजा शहबाज साहब के हुक्म के मुताबिक मैं तकरीबन हर जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मकानों को प्रॉब्लम है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनको रिपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ मामला किए जा सकें ताकि लोगों को रिलीफ मिले। बोसीदा मकानात में रहने वालों को मुस्लिम लीग नून से तवक्को है कि ये जमात उनके दुखों का मुदावा करेगी, लेकिन ऐसा कब होगा कोई नहीं जानता। कैमरामैन जाय शफी के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42।